इंसान अल्लाह तो इल्म गायब है, उनको तो पता है कि बाद में क्या होने वाला है। अगर उनको पता ही है, उनको तो पता होना चाहिए कि मैक्सिमम पीपल वो इस्लाम नहीं लेगा, उसको जानना भी जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, तुम जानबूझ के फेंकोगे इंसान को जानना में, नंबर वन पॉइंट। और एक बात है कि लोगों को कुछ दिखाओ कि देखो जो तुम जब इस्लाम से बाहर जाते हो, मैं तुमको बचा नहीं देती क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई इस्लाम के बाहर जाए। तो लोग सीखेंगे, लोग समझेंगे, फिर इस्लाम में आएंगे। तो कुछ दिखाना तो पड़ेगा ना कि हाँ कुछ दिखा, आई एम सॉरी, मैं आई वाज लुकिंग एट द स्क्रीन, कि दिखाना तो पड़ेगा ना कि इस्लाम में रहो। कोई ऑब्वियस साइन तो होना पड़ेगा ना कि लोग इस्लाम लें, ऐसा कोई ऑब्वियस साइन तो है नहीं, तो हम कैसे समझे। तो और एक बात है कि इस्लाम में बहुत हेट्रेड है डॉग एंड लिजर्ड के लिए, कुत्ते एंड छिपकली कहते हैं ना हिंदी में, हाँ हाँ छिपकली के लिए। अब मेरा सवाल है, अगर कि छिपकली आप मारो आपको इतना नेकी मिलेगा, उतना नेकी मिलेगा, अच्छा अगर एक चीज मुझे मरना ही है लेकिन उस चीज के अंदर तो जान है, लिजर्ड में जान है, कुत्ते में जान है, अब अगर अगर मैं उसे मारू तो वो हार्ट होगा ना, तो अगर उसको मारना ही है, उसको जिंदगी में जीना ही नहीं है, तो अल्लाह उसे बनाया ही क्यों? आई मीन ये एग्जैक्टली कैसा खेल, ऐसा कैसा खेल है कि उन्होंने बनाया और हमें बोल रहे हैं कि मैं मारू, मैं क्यों मारू, तुम्हारे हाथ में सब कुछ है, तुम ना बनाओ। बनाने का मतलब क्या है, ना ही बनाते तो हमको मारना भी नहीं पड़ता। अच्छा हाँ, और एक बात है कि अल्लाह वो लोगों को हिदायत देता है, जिसको वो हिदायत नहीं देगा वो कभी जन्नत में नहीं जाएगा और इस्लाम के रास्ते पे वो नहीं आएगा। अब वो हिदायत नहीं देगा और वो ही जहन्नम में डालेगा, भाई इसका क्या मतलब है? आप ही हिदायत नहीं दे रहे हो, आपके हिदायत ना देने की वजह से वो इस्लाम में नहीं है और इसके वजह से आप उसको जहन्नम में डालोगे। आई मीन सीरियसली, हाउ डज इट यानी मेक एनी आप खुद सेंस? ही हिदायत नहीं दे रहे हो हाँ, और और आप ही डाल फिर रहे आप हो, तो जहन्नम में भी डाल रहे हो। इसका मतलब भी क्या है? वैसे सही। कुरान में बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शन है कि ऐसे मौलाना बोलते हैं कि आप अगर नमाज के बाद ऐसे आयतुल कुर्सी पढ़ लो तो आप तो पक्का इस्लाम जन्नत में जाओगे, और या आप ये काम कर लो तो जन्नत में जाओगे, वो काम कर लो तो जन्नत में जाओगे। ये भी बोलता है कि आप ये काम करो तो जहन्नम में जाओगे, ये काम करो तो जहन्नम में जाओगे। अच्छा, तो एक इंसान अगर दो ही काम कर लिया, एक जहन्नम में जाने का कन्फर्म और एक कन्फर्म जन्नत में जाने का, तो वो कहाँ जाएगा? और अगर आप बोलो कि अब उनका सीन एंड जो अच्छा काम करता है वो अगर वेट करना है, अगर वेट ही करना है, तो ये ऐसा कंफर्मेशन देने का जरूरत ही क्या है कि ये काम करने से वो पक्का जहन्नम में जाएगा, ये काम करने से वो पक्का बेस में जाएगा, क्या मतलब है इस बात का? और वैसे भी देयर इज अ लॉट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। अच्छा, अल्लाह ने लोगों को दे के भेजा, उनको गाना गाने का, इंस्ट्रूमेंट बजाने का, डांस करने का, पेंटिंग करने का, और मूर्ति बनाने का। अब दुनिया के हर एक इंसान वो तो मूर्ति भी नहीं बना सकता ना, तो जो बनाता है उनके पास एक टैलेंट है, इसलिए तो वो कर सकता है। तो अगर मुझे ये टैलेंट यूज ही नहीं करना है तो तुमने भेजा क्यों? इसका मतलब क्या है, अगर मुझे वो कभी ही नहीं करना है, वो मुझे दिखाना ही नहीं है, तो ये टैलेंट मेरे पास रहने का मतलब ही क्या है? व्हाट्स द पॉइंट, मैं करूँ क्या? मेरे पास राइट। टैलेंट है कि मैं गाना गाऊं, तो मैं मुझे अगर कोई डॉक्टर में घुसा दे मैं क्या करूंगी? मुझे तो वो नहीं आता ना, मुझे जो आता है मैं वो करूंगी। ए आर रहमान को आप बोलोगे कि वो फुटबॉल खेले तो नहीं होगा ना, तो इसका मतलब क्या है अच्छा, इसका? ए आर रहमान जी को फुटबॉल खेलने लगा देते हाँ, तो या क्या करेंगे मस्जिद वो, का क्या इमाम करेंगे बना इबा देते। बना देते हैं, वो क्या करेंगे? तो दुनिया तो एक एक चीज दुनिया से निकल जाएगा ना, अच्छा चीज है, क्या हाँ प्रॉब्लम है? लेकिन हाँ इसका इसका कोई मतलब नहीं। अच्छा अच्छा, एक एक बात जो बहुत ही मशहूर है कि लड़कों को चार शादी करने का इजाजत है, लड़कियों को नहीं है। अच्छा, मैं मानती हूँ कि 100 रीजन है लड़कों को दोबारा शादी करने की, 100 रीजन है, ठीक है, हाँ लड़कियों का एक भी रीजन नहीं है। आई मीन सीरियसली, एक भी रीजन नहीं है दोबारा शादी करने का। हाँ तो पॉलीगैमस लड़कों के लिए अपने तो सिस्टम करके रखा है, वो बहुत सारी औरतें लेगा, लेकिन पॉलीगैमस लड़कियां भी तो होते हैं ना, बहुत सारी लड़कियां होते हैं जो पॉलीगैमस होते हैं, तो वो क्या करेंगे? उसके लिए तो अपने कोई व्यवस्था किया ही नहीं। मतलब हाँ एक तो रीजन दो, एटलीस्ट एक तो रीजन होना चाहिए कि लड़की को दो या तीन शादी, चार शादी करना पड़े, नहीं ऐसा कोई नहीं, वो नहीं इसलिए है। आप नहीं कर सकती हैं, वो इसलिए नहीं कर सकती है, मैं मोमिन बन के बात कर रहा हूँ, वो इसलिए नहीं जी कर सकती है क्योंकि अगर आपके मल्टीपल पार्टनर्स हो तो आपको फिर पता नहीं चलेगा अगर उससे बच्चा पैदा होता है,
आपको अच्छा पता नहीं तो चलेगा किस किसका बच्चा है, तो इस वजह से अच्छा अल्लाह ठीक ने है, औरतों को इजाजत नहीं दिया है, मर्दों को दिया है। अच्छा 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 ठीक है ठीक है। अल्लाह इल्म में गायब है, अल्लाह को कयामत तक पता है कयामत में क्या होने वाला है, और अल्लाह को ये नहीं पता था कि किसी एक सेंचुरी में डीएनए टेस्ट नाम के कुछ निकलेगा, कुछ आविष्कार होगा जिससे जिससे हमको पता चलेगा कि बच्चे का बाप कौन है, ये अल्लाह को पता ही नहीं हाँ था। पता ही नहीं नहीं था तो ना वो अल्लाह को ये का। तो अल्लाह को तो उतना ही पता था ना जितना रसूलुल्लाह को पता था, तो जब हाँ यही तो रसूलुल्लाह को बात डीएनए है। का नहीं, हाँ डीएनए टेस्ट का नहीं पता था, तो अल्लाह को भी नहीं पता होगा, तो टेस्ट ये पॉइंट, रीजन तो कमबोंगी है ये जी। तो बात है, यही तो बात है। अल्लाह का अच्छा बाप रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह का बाप अल्लाह। फेक आईडी, अल्लाह फेक आईडी। बहुत जबरदस्त। अच्छा अच्छा गे एंड लेस्बियन, गे एंड लेस्बियन होना गुना है, गे हो तो गुना है। तो ऐसे ये बात जब पूछा गया जाकिर नाइक से पूछा गया, उन्होंने कहा क्या कि गे हाँ लोग तब होते हैं जब एक मर्द बहुत सारी औरतों के साथ वो सेक्स करता है और वो लाइक बोर हो जाता है, तो उस समय उनको हाँ कुछ डिफरेंट चाहिए, तब वो लड़कों के पास हाँ ये एंड सेम किसने काम बोला? लड़के, ए जाकिर नाइक ने बोला। अरे यार ये वाला बयान तो उसका, मैंने इतना भारी आर्गुमेंट तो ये कभी मैंने सुना ही नहीं उसका, कि एक मर्द अच्छा जो है वो अगर काफी लड़कियों के साथ या एक ही हाँ लेडी के साथ अगर बार बार नहीं सेक्स नहीं करे। बार बार नहीं 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 बहुत सारे बहुत सारे हाँ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे, अच्छा, बहुत सारे बहुत एक्सपेरिमेंट करे। हाँ अच्छा, मतलब उसको सब मिल गई, मियां हाँ खलीफा मिल गई, सनी हाँ हाँ लियोनी, सबको हाँ ट्राई कर लिया, अब उसका मूड खत्म बोर हो हो गया, गया। तो अब वो नया ट्राई करना है, तो उसको मर्द चाहिए, जी ऐसा ऐसा मतलब मेरे जी ख्याल से जाकिर नाइक को भी ऐसे ख्यालात आते होंगे, लेकिन हाँ इस्लाम की हो वजह से वो सकता है, रुक जाता होगा। हाँ हो सकता है, हो सकता है। तो ये बात एक इट्स अ कंप्लीट लाई, क्योंकि बहुत सारे मर्द है जो कभी औरतों के पास जाता ही नहीं, ये रियलिटी है कि औरतों के पास वो कभी नहीं गया एंड उसको लड़का ही अच्छा लगता है। बहुत सारी लड़की है जो कभी मर्दों के पास नहीं गया लेकिन उनको उसको लड़की अच्छा लगता है। सो इट्स अ कंप्लीट लाई, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। एक इंसान अगर गे है वो तो जन्म से है गे, तो अगर ये गुना है तो आपने बनाया उसे, अल्लाह ने बनाया उसे गे, तो इसमें इसका क्या प्रॉब्लम है? आई मीन वो क्या करेंगे? आप मुझे अगर कोई कहेगा कि तुम एक लड़की से शादी कर लो, क्या मैं कर सकती हूँ? मुझसे नहीं होगा क्योंकि आई डोंट लाइक इट। तो जो वो एक लड़की जिसको लड़की पसंद है वो क्या करेगा? उसको लड़का पसंद नहीं है वो क्या करेगा? तो इसका तो कोई मतलब नहीं है ना। एंड यस जाकिर नाइक, मैं जो कह रही थी, अच्छा जो पहले अच्छा, मैं जो इसमें आप आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज, एक इसका जवाब देना चाहता हूं, जो इस चीज को गे और लेस्बियंस को अलाउड नहीं करते, बल्कि इस्लाम की रूह से तो उनको कत्ल करने की सजा है। अब देखिए, इसमें दो आर्गुमेंट हो सकते हैं, ठीक है। एक आर्गुमेंट तो ये है कि भाई गे और लेस्बियन होना, अट्रैक्शन टुवर्ड सेम सेक्स, इट इज नेचुरल, ठीक है। जी अगर आप इसको नेचुरल मानते हो, तो फिर उस बंदे की या उस बंदी की, उस मर्द की या उस औरत की तो कोई गलती नहीं है, क्योंकि जी नेचुरल है वो, आपने खुदा ने उसके अंदर डाला, तो भाई फिर तो उसकी गलती नहीं है, फिर सजा क्यों, ठीक है। अगर आप ये कहते हो कि भाई वो बीमारी है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो, या कोई यानी म्यूटेशन होता है कोई जीन्स का, उसके वजह से चेंज हो जाता है लड़की या लड़के का अट्रैक्शन, तो भाई अगर बीमारी है तो बीमारी पे भी सजा नहीं होनी चाहिए, हाँ तो ना जी अगर नेचुरल है तो भी सजा नहीं मिलना चाहिए, अगर उसको आप बीमारी समझ रहे हो तो भी सजा नहीं मिलना चाहिए। लेकिन डॉक्टर के इस्लाम पास के ले जाओ। अंदर इतनी कट्टरता है, इतनी कट्टरता है कि वो तो सीधा मारने का हुक्म देता है, तो ऐसा कौन करता है यार जी। तो ये आई होप के लोगों को ये चीज समझ में आई होगी गे और लेस्बियन के ताल्लुक से, कि अगर आप कोई भी एंगल से जाते हो, चाहे उसको नेचुरल समझते हो, चाहे बीमारी समझते हो, कुछ प्रॉब्लम समझते हो, तो भी सजा नहीं बनती, क्योंकि बीमारी में सजा देना तो ये तो कोई बात ही नहीं है जी। आप आगे कंटिन्यू करिए, आई एम सॉरी मैं आपको रोका जी। तहमीन जी, आपकी आवाज रुक गई है। हेलो, अभी जी, बोलिए। हाँ आ रहा है? अच्छा अच्छा हाँ आ अच्छा रही है, बोलिए। अच्छा नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर बीच में आपको बात बोलना है आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा तो मैं जो टीनेजर थी जब समय, तो मैं उसकी बात कर रही थी कि मुझे इस्लाम को लेकर प्रॉब्लम था, लेकिन 2014 में
मैंने इस्लाम को मतलब इस्लाम मानना शुरू किया 2014 में। हाँ, तो इससे पहले एक्चुअली मैं वैसे इस्लाम मानती नहीं थी क्योंकि मुझे इस्लाम से बहुत प्रॉब्लम था। तो 2014 से मैंने सोचा कि अच्छा, शायद मुल्ला जो है, मौलाना जो है, वो शायद वो लोग झूठ बोलते हैं, तो शायद इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है, झूठ मतलब इस्लाम शायद अच्छा होगा। तो मैंने 2014 से मैंने पूरा हिजाब पहनना शुरू कर दिया, मेरे बाल कोई नहीं देखा कभी, एंड 5 टाइम मैं नमाज पढ़ना शुरू कर दिया, जो जो सूरा पढ़ना ही है, मेमोराइज करना ही है ऐसे सूरा से, एंड रोजा रखना शुरू कर दिया। तो उस समय मैं कुछ ये जो जाकिर नायक है, मुफ्ती मेनक है, उन लोगों की बात मैं ज्यादा सुन रही थी उस समय से, क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि बांग्लादेश के मौलाना नहीं बल्कि बाहर के जो एक्चुअली जो स्कॉलर है, बड़े बड़े स्कॉलर है, वो लोग क्या बोलते हैं वो सुनने के लिए। तो ऐसे पहले पहले मैं जाकिर नायक को यहाँ लेके एक बात करूंगी, क्योंकि मेरे मतलब आई वॉज डाउटिंग इस्लाम मोर बिकॉज ऑफ हिम। एक समय था जब मैंने मुझे इस्लाम बड़ा, सच में मुझे लगा कि इस्लाम इज द ओनली ट्रूथ, क्योंकि जाकिर नायक, द रीजन वॉज जाकिर नायक। एंड मैंने डाउट भी शुरू करने, मेरा डाउट भी ज्यादा हुआ ये जाकिर नायक को सुनने की वजह से ही। तो दोनों ही ये है कि जाकिर नायक ही एक्चुअली ही इज अ वेरी, इन माई माइंड, इन माई ओपिनियन, ही इज अ वेरी मैनिपुलेटिव पर्सन, के वो आपके विश्वास को जीतते हैं, अपना इंटेलेक्चुअल दिखा के, वो ऐसे मुंह के ऊपर वो फेंक देगा कि ये आया तो वहां पे, उस बुक पे, उस चैप्टर पे, कि लोगों को लगेगा ओ माय गॉड, दिस पर्सन इज सो इंटेलिजेंट। तो क्या है, वो ना कि 10 बात करेगा, 10 में से 7 वो ठीक करेगा, लाइक समहाउ वो लॉजिक से बात करेगा, बाकी 3 वो अपना एजेंडा अंदर घुसा देगा उस 3 में, के लोगों के विश्वास जीतना है 7 से, फिर 3 में वो अपना एजेंडा अंदर कर देगा। एंड इस एजेंडा में मुझे सबसे ज्यादा जो लगा है कि एक एजेंडा उसका बड़ा मतलब कट्टर एजेंडा है, वो है मुस्लिम को सारे दुनिया से अलग करना, सारे दुनिया को। वो हमेशा बोलता है कि तुम मुस्लिम, जो नॉन मुस्लिम ज्यादा है उस देश में मत जाओ, मुस्लिम मतलब मुस्लिम स्कूल में पढ़ो, ये करो वो करो, मुस्लिम से आप ग्रीटिंग मत दो मुस्लिम को, सॉरी नॉन मुस्लिम को, एंड उनके उत्सव, उनके जो सेलिब्रेशन होते हैं, रिचुअल होते हैं, वहां से आप ग्रीटिंग मत करो उनको। एंड तो इस्लाम मुस्लिम को वो एक लाइक ए वन साइड करना चाहते हैं, एंड दुनिया से, पूरा दुनिया से अलग करना चाहते हैं। इसके पीछे एक बड़ा वजह है, वो जो मैं बात में बोलूंगी, ये व्हाई इट इज अ मैनिपुलेशन, व्हाई आई थिंक इट्स अ मैनिपुलेशन, मैं ये बात में बोलूंगी। अच्छा, तो ये है कि अच्छा, तो मैं दूसरे पॉइंट पे जाती हूँ। ऐसे पॉइंट में डबल स्टैंडर्ड है मुस्लिम, अच्छा मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम, मुस्लिम में एक डबल स्टैंडर्ड है इस्लाम में, कि आपको दूसरे दूसरे मजहब के लोगों को, उनको अपना धर्म छोड़ना पड़ेगा एंड इस्लाम में आना पड़ेगा। लेकिन इस्लाम के जो जन्म लिया है, जो उस वो कभी भी अपना धर्म छोड़ के नहीं जा सकता। आई मीन अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि अदर धर्म के लोग वो इस धर्म पे कन्वर्ट करें, तो आपको इट शुड बी अ टू वे, राइट, टू वे रोड, कि जहाँ पे दोनों ही कर सके। लेकिन नहीं नहीं तो अगर सेम काम इस्लाम के मुस्लिम के जैसे काम अगर नॉन मुस्लिम भी करना शुरू करे, फिर क्या होगा? उनके बाप बाप अगर पकड़ के बैठे, तुम क्रिश्चियन हो नहीं, तुम मुस्लिम नहीं हो सकते, तुम हिंदू हो नहीं, तुम कन्वर्ट नहीं हो सकते, तो फिर क्या होगा? एक ही सबका सब, हाँ, सभी माँ बाप है, सबको ही अपने बच्चों से लगाव है, सभी चाहते हैं, लेकिन ये इंसान की एक नेचुरल बात है कि वो अपना अपने बच्चे को खुद की विश्वास उनके ऊपर फोर्स करना चाहते हैं। तो ये तो सभी करना चाहते हैं, मुस्लिम भी करना चाहते हैं, नॉन मुस्लिम भी करना चाहते हैं। तो यहाँ पे तो एक डबल स्टैंडर्ड है, इट्स अ डबल स्टैंडर्ड, ये हिपोक्रेसी है, इट्स अ हिपोक्रेसी। तो ये सब सवाल मेरे दिल में था जब मैं मुस्लिम थी, एंड मैं 5 वक्त नमाज पढ़ती थी, रोजा रखती थी, हिजाब भी करती थी, लेकिन उस समय भी मेरे दिल में सब रीजन था। लेकिन ये सब रीजन एक्चुअली मेरे इस्लाम छोड़ने का रीजन नहीं है, ये रीजन था, बट इस रीजन के बारे में मैंने नहीं छोड़ा, नहीं, ये सब रीजन नहीं है, मैं असली रीजन में, नहीं नहीं ये सब सवाल मेरे दिल में था, जिसका सवाल, जिसका जवाब मुझे कभी भी इस्लाम से नहीं मिला है। आई वाज अनसैटिस्फाइड, आई वाज नेवर सैटिस्फाइड विद इस्लाम के। एंड लेकिन लोग तो ऐसा बोलते हैं, कई सारे मुसलमान बोलते हैं कि अगर कुछ डाउट है तो जाकिर नायक को सुनो, आपके डाउट सब क्लियर हो जाएंगे, मुफ्ती मेंग को सुनो, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, तारीख वो लोग ना, सुनो, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आपके डाउट्स उनको सुन के क्यों नहीं क्लियर हुए, बल्कि आपके डाउट्स तो बढ़ गए। अच्छा, क्योंकि वो लोग बेवकूफ है और मैं उतना बेवकूफ नहीं हूँ, क्योंकि मैं हमेशा लाइक जब मैं 14 या 15 ईयर्स की थी, तब तब मेरे दिल में सवाल था, मैं तभी से सवाल करती थी, एंड मुझे अच्छा
ऐसा आंसर चाहिए जिससे मेरा दिल को सुकून पहुंचे और जो लॉजिकल हो, लॉजिकल होना चाहिए, बात में लॉजिक रहना चाहिए. तो ऐसे बात नहीं है. एंड राकी नायक एंड बहुत सारी ये सब मुफ्ती मैन, इनमें वो अच्छे अच्छे बातों के अंदर ना असली बात बोली देता है कि इस्लाम में क्या है. तो अगर कोई ध्यान से सुने तो वो सुनेगा कि वो एक्चुअली क्या बोल रहा है. जाकिर नायक मेनी टाइम उनको जो सवाल पूछा जाता है वो उसका जवाब नहीं देता, वो वही बोलता है जो उनको बोलना है, जो एजेंडा उनको फैलाना है वो बोल के वो बात बंद कर देता है. जो उसको जो सवाल था वो सवाल का जवाब ही नहीं देता है. सो इट्स ये कौन लोग करता है जिसको कॉन्फ्रंटेशन का डर है, उनको डर है, उनको वो सवाल से डर है, वो उसको अवॉइड करना चाहता है, उनको उनके दिल में कुछ और है. ये सब मैनिपुलेशन मुझे समझ में आता है, ऐसे बेवकूफ नहीं होना है. ओके सो मैं तो ये सब डाउट था एंड इस सब के वजह से मैंने छोड़ा नहीं इस्लाम, लेकिन ये डाउट था, इसका जवाब मुझे नहीं मिल रहा था. एंड मैं सोच रही थी कि वो लोग बोलते हैं ना, एक एक बात बहुत लाइक चाउर है कि आपको कुरान बहुत कठिन, ये सो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, आपको अरबी सुनना सीखना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है. तो मैंने सोचा अच्छा एक काम ही करूँ, मैं अरबी ही सीखूँ अभी. तो मैं एक्चुअली कुछ दिन मैं अरबी सीखने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन फिर उस लाइक फिर मैंने एक्चुअली दूसरे रास्ता पकड़ लिया. तो मुझे मैंने अभी सीखा, अभी बंद कर दिया, लेकिन मैं एक्चुअली सीखने की कोशिश कर रही थी कुछ दिन से कि मैं सच में पढ़ पाऊँ. अच्छा तो ये ऐसे चलता रहा 2020 तक. हाँ कि आई एम मुस्लिम, मेरे दिल में डाउट है, बट आई एम नॉट लीविंग इस्लाम फॉर दैट. क्या अच्छा जो भी हो, मैं एक्चुअली क्या है, मैं समझा भी रही थी अपने आप को कि हाँ ऐसे है वैसे है, और मतलब कुछ भी किसी भी तरह से मैं अपने आप को समझाने लगती थी. फिर भी सवाल रह जाता था, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को लाइक कंफर्ट करने की कोशिश कर रही थी. हाँ, और है नहीं, उतना बुरा नहीं है, इतना ठीक है, ठीक है. अच्छा तो 2020 में क्या हुआ, 2020 में आई एक्चुअली गॉन थ्रू स्पिरिचुअल अवेकनिंग, मेरा मतलब व्हिच आई वुड कॉल स्पिरिचुअल अवेकनिंग. एंड उस समय से मैंने बहुत कुछ सीखा 2020 से, एंड बहुत सारी नए चीज मैंने सीखा है अबाउट द यूनिवर्स, अबाउट नेचर, अबाउट पीपल, उनके जो लाइक साइकोलॉजी के बारे में क्या क्या प्रॉब्लम होता है, क्या मैनिपुलेशन क्या होता है, लाइक कैसे 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 लोग, कैसे कैसे डिफरेंट पर्सनैलिटी के लोग डिफरेंट लाइक मैनिपुलेट करता है, कंट्रोलिंग पीपल कैसा होता है, मतलब ये ऐसे ऐसे बहुत कुछ मुझे उस समय मैंने सीखा, और मेरे नजरिया दुनिया देखने का ये कम्प्लीटली बदल गया. And लेकिन वो नजरिए से जो आपका नया नजरिया था वो इस्लाम से क्यों नहीं मैच हो रहा था, यानी वो नजरिए के लिए आपने इस्लाम को क्यों छोड़ दिया, वो क्या नया नजरिया था जो आपको इस्लाम में नहीं मिल रहा था? यस, ये मेरा दूसरा पॉइंट है कि मैंने इस्लाम छोड़ा क्यों. अब मैं पॉइंट करके रखी हूँ, मैं बोलूंगी एक वन बाय वन कि मैंने क्यों इस्लाम छोड़ा है, क्यों इस्लाम मेरे पास एक लाइक इट्स अ यूज़लेस कल्ट बट नथिंग एल्स. ओके तो अच्छा पहले सवाल ये है कि एक लोग लाइक जनरली एक इंसान वो धर्म को क्यों मानते हैं, वो जिस धर्म को भी माने वो क्यों मानते हैं. तो ये मानने का पहला रीजन है कि उनके माँ बाप उस धर्म से है, वो उस फैमिली में जन्म लिया है, नंबर वन रीजन. नंबर टू रीजन, उनको कोई मिराकल मिल गया है किसी धर्म के, किसी और धर्म के उनने कोई मिराकल देखा है और वो उसको अचानक से विश्वास आ गया उस धर्म पे एंड वो अपना धर्म बदल के कन्वर्ट कर लेता है. नंबर थ्री, उनको कोई जरूरत है लाइक उनको शायद दो शादी करना है एंड इस्लाम में अलाउड है तो उसने इस्लाम ले लिया, और शायद किसी को एक मुस्लिम लड़के से या लड़की से प्यार हो गया तो वो लोग इस्लाम धर्म अपना लिया. तो अपनी जरूरत की वजह से वो धर्म लेता है, राइट.